सीरियल नजर में आज हो रहा है अंश और पिया के बच्चे का नामकरण, जहां पूरे परिवार में छाई है खुशियां। वहीं अंश और पिया की जिंदगी में जहर घोलने के लिए लौट आई है दिलरुबा चुड़ैल। तो घर में क्या कुछ ड्रामा होने वाला है, आइए आपको दिखाते हैं। लंबे समय के बाद आई अंश और पिया की जिंदगी में खुशियां, लेकिन खुशियों के साथ ही आया है एक बड़ा तूफान। क्या होगा अंश और पिया का फैसला? सीरियल नजर में अंश और पिया की उनके छोटे बच्चे के साथ हो गई है घर में वापसी, और आज पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है। हर कोई अंश और पिया के बच्चे के नामकरण की तैयारी कर रहा है। राठौर परिवार में लंबे वक्त के बाद खुशियां छाई हैं। हर कोई बच्चे के नामकरण के लिए कोई ना कोई नाम सजेस्ट कर रहा है। अच्छा नाम है मुन्ना। कोई मुन्ना सुना नहीं भाई, अपने पोते का नाम हम रखेंगे। घर में बच्चे के नामकरण की बात हो ही रही होती है कि तभी कुछ हलचल और कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जी हाँ, लौट आई है चुड़ैल दिलरुबा, जो अपने साथ लेकर आई है आंधी तूफान। दिलरुबा के आते ही सभी घर वाले डर जाते हैं, लेकिन दिलरुबा नन्हे मेहमान को देखकर खुश हो जाती है। इतना ही नहीं, दिलरुबा मौके का फायदा उठाकर बच्चे को अपने साथ लेकर भागने भी लगती है, लेकिन अंश दिलरुबा को ऐसा करने से रोक लेते हैं। पिया दिलरुबा के हाथों से अपना बच्चा छीन लेती है, जिसके बाद दिलरुबा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। मुझसे मेरा बच्चा ले लिया? ये तो मेरा बच्चा है। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो दिलरुबा? खैर, किसी तरह दिलरुबा को समझा बुझा कर घर में ही रुकने को कहा जाता है, जिससे वो खुश तो हो जाती है, लेकिन अगर दिलरुबा घर में रहेगी तो वो क्या नई हरकत करेगी, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि पिया और अंश की खुशियों में जहर घोलने की कोशिश तो दिलरुबा जरूर करेगी। आइए अब आपको अंश के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं आज के पूरे सीन के बारे में। यस ऑब्वियसली, और आप अगर एपिसोड्स देख रहे हो तो कितनी मशक्कत, कितनी मुश्किलों के बाद बच्चा घर में वापस लौटा है। जब बॉर्न हुआ था तब बच्चा हमसे दूर था, तो ये पहली बार है जब बच्चा इस घर में कदम रख रहा है। सो आई एम श्योर कि बच्चे के साथ ढेर सारी खुशियाँ और इट विल बी ऑल हैप्पी टाइम। इनफैक्ट जो कजिन्स है, जो उनकी भतीजे की जो बुआए है, वो बहुत एक्साइटेड है कि मैं ये नाम रखूंगी, मैं वो नाम रखूंगी। मैंने तो बोला है कि मैं दीदी बोलूंगी बोलने के लिए, ना मुझे बुआ बोल के बुआ कह के बुलाए। तो सारे बहुत एक्साइटेड है, फैमिली में एकदम अच्छा हैप्पी माहौल है, और बस अब बच्चा आ गया है तो एवरीथिंग इज फाइन। वैसे अंश, आपकी और पिया की खुशियों में आग लगाने के लिए दिलरुबा लौट आई है। अब दिलरुबा शो में आए और कोई नया ड्रामा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, इस पर क्या कहेंगे आप? वही है कि दिलरुबा आई है इस बार मुझसे मिलने के लिए, और उनकी नज़र हमारे बच्चे पर पड़ जाती है। सिंस चुड़ैल बींग वेरी यू नो, वो बच्चों को देखते ही बच्चों को खाना चाहती है एंड ऑल दैट, तो थोड़ा उतना अच्छा रिएक्शन नहीं रहा था उनका। वो जैसे ही आए वैसे उनको बच्चा चाहिए था खेलने के लिए, और वो खेलने के बहाने बच्चे को भगा कर लेकर जाना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं हम उन्हें इस काम से रोकेंगे, बट एट द सेम टाइम चैताली के मुंह से निकल गया कि अगर आपको बच्चे के साथ खेलना है तो आप क्यों ना घर में ही रुक जाए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुड़ैल इस घर में ना रह जाए और हम पे यू नो प्रॉब्लम्स का एक और पहाड़ बन जाए हमारे साथ, वो सस्पेंस रहेगा। जी वेल, अब देखना ये होगा कि अंश और पिया के बीच दिलरुबा चुड़ैल कैसे दीवारें खड़ी करती है और कैसे करती है अंश और पिया का जीना दुश्वार। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट।